मुझे एक कहानी दोहरानी है। एक लड़की कितनी पीड़ा सहती है अपने पूरे जीवन में, बस यही बात आप लोगों को बतानी है। तो ये कहानी शुरू होती है जब वो पैदा होती है। लड़का पैदा होता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं, मगर बेटी होने पर आज भी हमें खुशी नहीं होती है। क्या सिर्फ इसलिए कि बेटा बढ़ाता है वंश की बेल आगे और बेटी पराया धन होती है? अभी तो उसने बस चलना बोलना सीखा होता है, जब वो कुछ 10-11 साल की होती है, तो अभी तो उसने बस चलना बोलना सीखा होता है और हम उसे सही गलत सिखाने लगते हैं। उसकी जिंदगी पर हक है तो उसका, मगर उस पर हम अपना हक जताने लगते हैं। उसकी अपनी क्या मर्जी है ये कोई नहीं जानता, उसे भी आजादी से सांस लेने का हक है ये भी कोई नहीं मानता। खैर ये तो हम सब करते हैं, मगर दुनिया के आगे इस बात को मानने से डरते हैं। अब नाउ शी इज टर्निंग टू हर टीनेज, जिसे युवावस्था कहते हैं। अब वो युवा अवस्था में कदम रखती है और शुरुआत से ही बहुत कुछ सहती है। कितने सवाल उठते होंगे उसके जहन में जब अपनी ही माँ दर्द होने पर भी उसे चुप रहने को कहती है। मगर गलती माँ की नहीं है, परवरिश की है, कि उनकी माँ ने भी उन्हें यही सिखाया है। दर्द होने पर भी चुप रहकर सहना, उनकी माँ ने भी उन्हें यही बताया है। मगर दोस्तों, लड़की की युवा अवस्था होती इतनी आसान नहीं है। पूरे हफ्ते, पूरे 7 दिन तक खून बहता है उसके शरीर से, बस निकलती उसकी जान नहीं है। फिर भी आप सब कहते हैं कि लड़कियां कमजोर हैं। पैदा करके दिखाओ एक औलाद अपने जिस्म से, तो मालूम है कि तुम में भी जोर है। और अगर नहीं कर सकते तो ये कहना छोड़ दो कि हम लड़कियां कमजोर हैं। अब आती है जवानी की बात, मतलब जब वो 20-21 साल की होती है। अब आती है जवानी की बात और मोहल्ले और रिश्तेदारों से रिश्ते आने लगते हैं, और गलती से अगर हो जाए मोहब्बत किसी से तो सुनने ताने पड़ते हैं। फिर घर की इज्जत और समाज का बोझ हमारे कंधों पर आ जाता है, और 4 लोग क्या कहेंगे, इनके घर वालों को दिन रात बस यही डर सताता है। मगर इनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, इनके भी कुछ सपने हैं, ये ना कोई जानता है और ना ही जानना चाहता है। फिर किसी तरह शादी हो जाती है। अक्सर होता है कि पिताजी ने या माताजी ने बोल दिया कि अगर तुम घर से बाहर निकली तो मेरा मरा वो मुंह देखोगी, फिर बेटी मान जाती है। तो फिर किसी तरह शादी हो जाती है और फिर कई नई जिम्मेदारियां भी इनके ऊपर आ जाती हैं, और ऊपर से माँ ये समझा कर भेजती है कि जो सिखाया बचपन में वो भूल ना जाना, हंस कर हर दर्द को सहते जाना। जा तो रही हो डोली पर सवार होके, मगर वापस सिर्फ अर्थी में ही आना। मगर वो बेटी पूछना चाहती है कि मैं अर्थी में क्यों आऊं, जिंदा क्यों नहीं? अपनी ही औलाद से ये बात कहते वक्त आप शर्मिंदा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, इसके बाद शुरू होती है ससुराल वालों की कहानी, और सास ससुर की सेवा और पति का ख्याल रखते रखते बीत जाती है इसकी जवानी। अब बारी आती है जब वो एक पत्नी से एक माँ बनती है, 100 दर्द सहकर एक औलाद को जनती है, और वही औलाद बड़ी होकर अपने जीवन में उसकी अहमियत ना होने का एहसास दिलाती है। ये वही माँ है जो अपनी औलाद को बड़ा करने के लिए अपना दूध नहीं, अपने जिस्म से अपना खून पिलाती है। फिर भी उसकी औलाद उससे पूछती है कि माँ, आज मैं जो भी हूँ अपनी काबिलियत पर हूँ, तेरी औकात ही क्या थी? कोई जरा उससे भी पूछे कि तुझे पैदा ही नहीं करती तो फिर बात ही क्या थी? अब वो बेटी, बहन, पत्नी, माँ धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ती है, और जिंदगी भी मौत की तरफ एक एक सीढ़ी चढ़ती है।
और एक दिन वो चैन की नींद सो जाती है और एक बेटी से शुरू हुई कहानी दादी या नानी की मौत पर खत्म हो जाती है। और खत्म करने से पहले आखिरी की चार लाइनें, ये एक बेटी की कहानी थी जो मुझे आज आप सबको सुनानी थी। ये तो एक छोटी सी झलक थी कि क्या सहती है एक औरत अपने जीवन में, बस यही झलक मुझे आज आप सबको दिखानी थी। शुक्रिया।